ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को कहा कि कोविड 19 के कारण लागू सख्त पाबंदियों में वधेरे 21 जून को खत्म होने लेके वह बहुत आसवंद ने। जॉनसन ने संसद में चार पड़ा का एक रोडमैप पेश किया है, उसके तहत महामारी कारण देश में लागू ज्यादातर पाबंदियों 21 जून तो हटा लिया जाएगा। लंदन ने एक स्कूल के दौरे पर जॉनसन तो पूछा गया कि अपने रोडमैप को लागू करने लैके उन्होंने कितना विश्वास है। यह रोडमैप इंग्लैंड 8 मार्च तो शुरू हो रहे पूरी तरह के नाल घर में बंद रहने वाले सख्त तालाबंदी हौली हौली खत्म की पड़ाबंद प्रक्रिया है। इसके तहत स्कूलों को खोलना पहला पड़ा होगा, मार्च के आखिर तो लैके लोगों आपस में मिलने जुलने की इजाजत होगी और दुकाना कारोबारी अदारे दो पड़ा 12 अप्रैल 17 मई खुलेंगे। जॉनसन ने कहा कि मैं आसवंद हाँ पर किसी गल की कोई गारंटी नहीं है और यह पूरी तरह इस गल से निर्भर करता है कि असी किन्ने सावधान रहते हैं, हरेक पद्धर से हुक्म के नियमों का पालन किवें करते हैं। इसलिए सानू इन्हां सावधानी के नाल अगे वधन की लोड़ है। मैनूं लगता है कि लोग भी इस गल नूं समझदे हन कि मैं जो कर रहा हाँ वह उसकी तर्क समझ रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम टीवी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को कहा कि कोविड 19 के कारण लागू सख्त पाबंदियों में वधेरे 21 जून को खत्म होने लेके वह बहुत आसवंद ने। जॉनसन ने संसद में चार पड़ा का एक रोडमैप पेश किया है, उसके तहत महामारी कारण देश में लागू ज्यादातर पाबंदियों 21 जून तो हटा लिया जाएगा। लंदन ने एक स्कूल के दौरे पर जॉनसन तो पूछा गया कि अपने रोडमैप को लागू करने को लेकर उन्होंने कितना विश्वास है। यह रोडमैप इंग्लैंड 8 मार्च तो शुरू हो रहे पूरी तरह के नाल घर में बंद रहने वाले सख्त तालाबंदी हौली हौली खत्म की पड़ाबंद प्रक्रिया है। इसके तहत स्कूलों को खोलना पहला पड़ा होगा, मार्च के आखिर तो लैके लोगों आपस में मिलने जुलने की इजाजत होगी और दुकाना कारोबारी अदारे दो पड़ा 12 अप्रैल 17 मई खुलेंगे। जॉनसन ने कहा कि मैं आसवंद हाँ पर किसी गल की कोई गारंटी नहीं है और यह पूरी तरह इस गल से निर्भर करता है कि असी किन्ने सावधान रहते हैं, हरेक पद्धर से हुक्म के नियमों का पालन किवें करते हैं। इसलिए सानू इन्हां सावधानी के नाल अगे वधन की लोड़ है। मैनूं लगता है कि लोग भी इस गल नूं समझदे हन कि मैं जो कर रहा हाँ वह उसकी तर्क समझ रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम टीवी।